नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में अवरत। रजौड़ी में बाढ़ से कई सड़कें कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बता दें कि जिले के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण सुकौत और दरहाली नदियों में बाढ़ आई है। बुधवार सुबह कई पुलों और सड़कों को आंशिक नुकसान भी पहुंचा है। अधिकारियों के मुताबिक रजौड़ी शहर को पार करने वाली दो नदियों में जल स्तर सुबह अचानक बढ़ गया, जिससे ये भयावह दृश्य जो देखने को मिले हैं, क्योंकि नदियां उफान पे थी। देखिए रिपोर्ट। रजौरी में बाढ़ से कई सड़कें और कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए। जिले के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण सुकौत और दरहाली नदियों में आई बाढ़ के बाद बुधवार सुबह कई पुल और सड़कों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने कहा है कि रजौरी शहर को पार करने वाली दो नदियों में जल का स्तर सुबह लगभग 5:30 बजे अचानक बढ़ गया। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के कनिष्ठ अभियंता हामिद अहमद ने कहा कि सुबह करीब 6:30 बजे सलानी के पास नदी में पानी का स्तर, जहां सुत्तो और दरहाली दोनों नदियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, बाढ़ चेतावनी स्तर के करीब है। उन्होंने कहा कि लगभग 1 घंटे के लिए नदी में जल स्तर बाढ़ की चेतावनी के स्तर के पास बनी रही, जिसके बाद इसमें कमी आने लगी। इस बीच अधिकारियों ने कहा है कि नदी के किनारे कई पुलों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। एक अन्य अधिकारी के मुताबिक रजौरी शहर के पास और दसाल नाले पर मुख्य राजमार्ग पर बना अस्थायी पुल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि मनकौट नदी में सुकौत नदी पर एक पुल टूट गया है जो रजौरी उद्यान को राजमार्ग से जोड़ता है। बताते चलें कि पुल एक तरफ के संपर्क मार्ग से क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि नदी के किनारे स्थित शमशान घाटों की दीवारों और अन्य संरचनाओं की मामूली नुकसान के साथ कहीं कहीं अधिक नुकसान की खबरें भी मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर से न्यूज प्लस के लिए फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।